आर्चिगोनियम और डेवलपमेंट ऑफ एंथीलियम किस प्रकार से इसकी आर्चिगोनियम का निर्माण होता है और कैसे इसकी एंथीलियम का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ उसके बाद किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन की कुछ प्रोसेस मैं बताऊंगी, फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन कैसे, यहाँ आज हम अपना टॉपिक फिनिश करेंगे जिसमें इक्विजिशन से जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे कम्प्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आर्चिगोनियम की सबसे पहले गणना होता है, आर्चिगोनियम कहाँ बनता है, इसमें जो प्रोथैलस बनता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं इक्विजिशन की स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं और उनमें जब स्पोर्स लगते हैं तो वह स्पोर्स जब किसी कारण से स्फुटित होकर गिर जाते हैं भूमि में, तो भूमि में अंकुरित होकर वह क्या बनाते हैं, प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। उस प्रोथैलस में ही आर्चिगोनियम और एंथीलियम का निर्माण होता है। जो आर्चिगोनियम उसमें ये बनती है तो हम उसी में डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम ये पढ़ रहे हैं। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम उसमें किस प्रकार से प्रोथैलस में आर्चिगोनियम का निर्माण होगा, किस से कैसे एक कोशिका दो दो से चार ऐसे करके आर्चिगोनिया, इसी प्रकार से हमें एंथीलियम का भी निर्माण पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज वो जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस में कोई एक कोशिका जहाँ आर्चिगोनियम बनना होता है उस स्थान की कोई एक कोशिका सुपरफिशियल इनिशियल या हम कह सकते हैं आर्चिगोनियम इनिशियल कोशिका के रूप में कार्य करती है। जो आर्चिगोनियम इनिशियल कोशिका होती है वह क्या होती है, प्रारंभिक पहली कोशिका कहलाती है। ठीक है, उस कोशिका में क्या होता है, दूसरी बात उसमें परमित पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, विभाजन से इससे एक से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपरी कोशिका प्राइमरी कवर सेल तथा निचली कोशिका इनर सेल कहलाती है। जो प्राइमरी कवर सेल इनर सेल आ जाती है सेंट्रल सेल और वेंडर कैनाल से बनाएगी। जो प्राइमरी कवर कोशिका है ये लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत विभाजन के माध्यम से चार किसका निर्माण करेगी, चार कवर सेल्स का निर्माण कर लेती है, नए कैनाल सेल्स कह सकते हैं, नए कैनाल सेल्स का निर्माण कर लेती है ये देखिए। और जो वेंडर सेल होती है ये आगे जाकर विभाजन होकर प्राइमरी कैनाल सेल और वेंट्रल सेल का निर्माण करती है। जब प्राइमरी कैनाल सेल होती है ये आगे जाकर प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करेगी, नेक का निर्माण करेगी। और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल होती है ये वेंट्रल सेल आगे विभाजित होकर क्या बनाती है, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग का निर्माण करती है। तो इसी प्रकार से चार कवर सेल, नेक सेल्स, नेक कैनाल सेल्स भी बन जाती है, वेंट्रल कैनाल सेल का निर्माण हो चुका है और एग का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट और आर्चिगोनियम है जिसमें नेक कैनाल सेल्स ये है, वेंट्रल कैनाल सेल को यहाँ शो किया हुआ है, देखिए दोनों में शो है और एग। इस प्रकार से जब आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाती है तो अब क्या होता है, जब एंथ्रोसाइट बनकर फटते हैं तब आर्चिगोनियम के समीप पहुंचते हैं। लेकिन अभी हम डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम कंप्लीट कराया, उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ एंथीलियम बता रहे हैं, फिर हम फर्टिलाइजेशन की बात आपको बाद में बताएंगे। जब एंथीलियम का बनना होता है तब उस स्थान की कोई एक कोशिका एंथीलियल इनिशियल सेल के रूप में प्रारंभिक कोशिका के रूप में काम करेगी। वह प्रारंभिक कोशिका क्या करेगी, जैकेट इनिशियल सेल का निर्माण करती, क्योंकि जब प्रारंभिक कोशिका में जब अनुपत विभाजन करते हैं और विभाजन से एक से दो कोशिका बनती है, ऊपरी कोशिका जैकेट इनिशियल और निचली कोशिका प्राइमरी एंडोगोनियल सेल कहलाती है। जो जैकेट इनिशियल सेल होती है ये आगे विभाजित होकर जैकेट का कवर का निर्माण कर लेती है, और जो प्राइमरी एंडोगोनियल सेल होती है ये प्राइमरी एंडोगोनियल सेल अनेकों विभाजन द्वारा अनेकों विभाजन द्वारा ये क्या होती है, एंडोगोनियल सेल्स का निर्माण कर लेती है और जैकेट ने जैकेट का निर्माण कर लिया। जब एंडोगोनियल सेल की जो सेल्स होती है ये स्पोर एंडोस्पोरोसाइट हम कह सकते हैं एंडोगोनियल मदर सेल के रूप में कार्य करने लगती है, और जब यह मैच्योर हो जाती है तब यहाँ पर एक प्रकार की जैकेट के पास एक ऑपरकुलम बन जाता है, और ऑपरकुलम एकदम मैच्योर होकर ऑपरकुलम बनने पर जो एंथ्रोजॉइट जो स्पोरोसाइट्स होते हैं ये एंथ्रोजॉइट का रूप ले लेते हैं। एंथ्रोजॉइट कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है बट कैसा होता है, मल्टी फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइट स्पर्मेटोजॉइट्स आप कह सकते हैं, इसका निर्माण यहाँ हो जाता है। और अपर कोलम के फटने पर ये क्या होते हैं, एंथ्रोजॉइट्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं
और अपने फ्लैजला की सहायता से ये कहाँ पहुँचेंगे, आर्चिक ओनियम के टिप पर। उस समय जब ये आर्चिक ओनियम तक पहुँचते हैं तब आर्चिक ओनियम में जो वेंट्रल कैनाल सेल और जो नेक कैनाल सेल से ये क्या होती है, नष्ट होने लगती है, डिजनरेट होने लगती है इनकी विद्या। फिर क्या होगा, जब आराम से ये एंटो जॉइंट के लिए एक होलो रास्ता बना देती है, स्पेस बना देती है, जिसके माध्यम से मल्टी फ्लैजलेटेड एंटो जॉइंट इसके अंदर आर्चिक ओनियम में प्रवेश कर जाती है। सपोज है कि यहाँ से प्रवेश की खाली जगह है, जब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब इनमें से सभी एंटो जॉइंट इससे फ्यूजन नहीं करेंगे, फ्यूजन की क्रिया नहीं होगी, सिर्फ कोई एक एंटो जॉइंट इससे किससे एक्स से संयोजन करेगा। फ्यूजन के माध्यम से यहाँ पर 2N नंबर का जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब जाइगोट 2N नंबर की प्रथम अवस्था कहलाती है, स्पोरोफाइटिक की प्रथम अवस्था कहलाती है। और अब हम इसका ये फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन की क्रिया। अब बात करते हैं कि निषेचन के बाद इसमें जो जाइगोट होता है, कुछ समय के बाद जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन, जिससे कि 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और चारों से शूट, फूट, रूट एंड स्टेम, जो आप कह सकते हैं लीफ, चारों भागों से, चार प्रकार की कोशिकाओं से इनमें विभाजन होता जाएगा और आगे आगे यह विभाजन करके क्या बनाएंगे, एक मैच्योर मैच्योर स्पोरोफाइटिक प्लांट का एकोसिस्टम के थैलस का निर्माण करती है, जिससे धीरे धीरे नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर रूट्स वगैरह निकलेंगी, यहाँ पे ऊपर की ओर जो जो रूट्स कहाँ होती हैं, क्योंकि ये प्रोथैलस में धंसा हुआ है। ठीक है ना, आर्चिक ओनियम में तो डेवलपमेंट हुआ, प्रोथैलस में धंसे हुए रूट्स प्रोथैलस में फाड़ती हुई कहाँ भूमि में चली जाती है, सूट स्टैंड बना वृद्धि करता हुआ एक सीधे तना बनाता है, और जो जिन पर छोटी छोटी लीव्स नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड हो जाता है, छोटी छोटी लीव्स भी वहीं पर अरेंज हो जाती है। एक प्रकार से ये डेवलपमेंट ऑफ आर्चिक ओनियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथीलियम। ठीक है, यहाँ तक आपने किस पढ़ लिया, उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन भी मैंने आपको समझा दिया डायग्राम से, इसमें जाइगोट से, कि यहाँ पर अब जर्मिनेशन कैसे होता है, एक से चार बनी और फिर रूट सूट स्टैंड करके आगे के डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इजीली इसका जर्मिनेशन की प्रोसेस है तो किस प्रकार से इसका अंकुरण होगा, कई आप बहुत सारी सेल्स बनाएंगे और अंकुरित करते हुए